वेलकम टू डी वर्ल्ड। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांत और खाज के बारे में। दोस्तों, दांत खाज अगर आपके कहीं भी दांत हो गया है या फिर दोस्तों कैसी भी खुजली हो गई है, एलर्जी हो गई है, तो दोस्तों उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव उसका है। चाहे क्यों ना कितना भी पुराना दांत हो, अगर आपका दवा खाने पर बार बार ठीक हो जाता है और फिर से हो जाता है, ऐसी कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। दोस्तों, एक बार के लगाने से हमेशा के लिए इस दांत से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार किस समय लगाना है ये आपको? रोज़ाना एक बार ये आपको सोते समय लगाना है, ताकि ये लंबे समय तक लगा रहे, ताकि इसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया हो तो वो भी पूरी तरह ख़त्म हो सके। दोस्तों, ये एक फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिस वजह से दांत अगर ज़्यादा अंदर दोस्तों इसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो दोस्तों ये दांत बहुत लंबे समय तक भी रहता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ लहसुन की गिरी आपको ले लेनी है। तो ये लहसुन की गिरी लेने के बाद आपको इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है वो पूरा हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको जितना बड़ा आपका दांत है उसी के अनुसार आप इसमें लहसुन की गिरी आप ले लें। उसके बाद आपको ये दोस्तों इसको पीस लेना है, इतना महीन दोस्तों इसको पीस लेना है कि इसका जो पेस्ट है बड़ी आसानी से बन जाए। फिलहाल दोस्तों हम प्रैक्टिकल के लिए इससे पीस लेते हैं, उसके बाद हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे इस तरह से आप पीस सकते हैं किसी भी चीज़ में, और या फिर आप किसी सिलौटी द्वारा इसे, सिलबट्टे द्वारा भी इसे पीस सकते हैं। अब ये इसका जो है पेस्ट तैयार हो गया है, जिंजर पेस्ट आपका तैयार हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आपको इसमें शहद मिलाना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा शहद मिला लेते हैं। तो दोस्तों, शहद मिलाने के बाद आपको इसका उपयोग किस तरह से करना होगा उस बारे में हम पूरी तरह से बताएंगे। दोस्तों, इसमें आपको इतना लगभग शहद मिला लेना है। शहद मिलाने के बाद आपको हाथ से या फिर उंगली से इस तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद जिस जगह भी दोस्तों आपके दांत खाज या फिर दोस्तों कोई भी पुराने से पुराना आपका दांत हो, दांत चाहे किसी भी तरह का हो दोस्तों, चेहरे के अलावा आप कहीं भी अपने शरीर पर इसे लगा सकते हैं। दांत खाज खुजली की समस्या हमेशा के लिए आपकी इससे जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये अप्लाई कर लेना है। ये अभी थोड़ा मोटा है, ये आप इसे इतना महीन पीसें कि ये बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। तो पीसने के बाद दोस्तों शहद में मिलाकर इसे अप्लाई करना होता है। कैसे भी पुराने से पुराना दांत आपका हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।